दोस्तों दो फोन इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिनकी लीक्स मतलब भी लगातार आती रहती है, और क्योंकि लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब वो फोन आए, जिसमें से एक है आईफोन तो दूसरा है OnePlus, द अंडरडॉग। मतलब जो बेसब्री से इंतजार OnePlus के 6T मॉडल का भी हो रहा है, क्या बताऊं, मतलब ऑलमोस्ट वीडियोस की बौछार हो चुकी है YouTube पे। लेकिन अब काफी सारी लीक्स ऐसी आ चुकी है जिससे लगभग कुछ चीजें कंफर्म हो चुकी है कि OnePlus 6T के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो आज इस वीडियो के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकती है OnePlus 6T की, और किस तरीके की प्राइसिंग इंडिया के अंदर आ सकती है, और क्या ये नवंबर से पहले लॉन्च हो सकता है। तो मेरा नाम है संदीप, चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। बने रहिए इस वीडियो के साथ, बिल्कुल डिटेल में करेंगे बात। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि सैमसंग के जो फोन है वो S7, S8 और S9 ऐसे शुरुआत होती है, उस तरीके से जो आईफोन के जो मॉडल होते हैं उसमें पहले 6 आता है, फिर 6S आता है, फिर 7 आता है, 7S आता है। तो इसी तरीके से OnePlus ने सोचा कि क्यों ना हम इनसे एक स्टेप आगे रहें, तो नॉर्मली इनके अंदर S आता है, तो उन्होंने अपने फ़ोन के आगे T लगाना शुरू कर दिया। तो ये थी इंटरेस्टिंग जानकारी जिससे आपको मालूम पड़ता है कि क्यों OnePlus जो है वो अपने मॉडल के आगे T लगाता है, मतलब अपने नेक्स्ट मॉडल के आगे T लगाता है इंस्टेड ऑफ S। तो दोस्तों बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जैसा कि कुछ चीज़ें जो चेंज होने वाली है, जो कि लगभग अब कंफर्म हो चुका है कि आपको OnePlus 6T के अंदर मिलने वाला है इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट। ये कुछ कुछ Vivo V11 Pro की तरह ही है, और कुछ अगर डिस्प्ले की बात करूं तो वो भी V11 Pro की तरह आपका वाटर ड्रॉप जो नॉच है उस तरीके का डिस्प्ले होने वाला है। तो दोनों ही चीज़ें लगभग V11 Pro की तरह होने वाली है। और दोस्तों आप तो जानते हैं बीबी के इलेक्ट्रॉनिक जो है उसी के ओप्पो, वीवो और OnePlus जो है उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। अगर बात करते हैं एक फास्ट चार्जिंग, क्योंकि वैसे भी हमेशा की तरह OnePlus की जो चार्जिंग है वो हमेशा सुपर फास्ट रही है, मतलब डैश चार्जिंग रही है, लेकिन हो सकता है कि इस बारी आपको डैश चार्जिंग मतलब सुपर डैश चार्जिंग मिल सके। लाइक अभी ओप्पो का एक फ़ोन आया था जिसके अंदर VOCC मतलब काफ़ी तेज़ चार्जिंग है, मतलब 5 मिनट के अंदर आप 2 घंटे तक की टॉक टाइम उसके अंदर पा सकते हैं। तो इसी तरीके से एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। वैसे तो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो OnePlus की वैसी जो डैश चार्जिंग है उससे कमाल चार्जिंग मैंने आज तक किसी फ़ोन की नहीं देखी, लेकिन अगर उसको भी ये नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाए तो ये तो कमाल ही हो जाएगा दोस्तों। अगर सुपर डैश चार्जिंग अगर हमारे को मिल गई तो ये बहुत बड़ा अपग्रेड होगा। साथ ही कुछ रूमर आ रहे हैं कि बैटरी जो है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ने वाली है, तो 3200 mAh की अभी लगभग बैटरी आ रही है 6 के अंदर, लेकिन 6T के अंदर कहीं ये उम्मीद है कि 3500 के आसपास ही mAh होने वाली है। काश, मेरी उम्मीद है कि अगर ऐसा हो पाए कि जैसे सैमसंग नोट 9 के अंदर 4000 mAh की मैसिव बैटरी आई है, अगर दोस्तों ऐसा हो गया कि OnePlus नियर बाई 4000 mAh की बैटरी उन्होंने दे दी और सुपर डैश चार्ज का सपोर्ट उसके अंदर उन्होंने दे दिया, तो ये तो कमाल ही हो जाएगा। मतलब फिर तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई नियर बाई भी नहीं पहुंच पाएगा OnePlus के, क्योंकि सुपर डैश चार्जिंग का होना और लगभग 4000 mAh की बैटरी का होना। लेकिन एक रूमर अभी ये आ रहा है कि करीब 3480 mAh के अंदर बैटरी होने वाली, मतलब 3500 के आसपास mAh की बैटरी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तीसरा रूमर जो आ रहा है वो आ रहा है 855 के प्रोसेसर का होना। वैसे स्नैपड्रैगन 855 जो है वो जुलाई के अंदर ही उसका मास प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो चुका था, अब तो काफ़ी मतलब इसका मतलब 855 जो है काफ़ी बड़े लेवल पे आने वाला है। और शाओमी का एक एक्सक्लूसिव करार हुआ है क्वालकॉम के साथ कि स्नैपड्रैगन 855 उनके जो मोबाइल है उनमें लगने वाला है। लेकिन 6T के बारे में भी ये रूमर आ रहा है कि 855 जो प्रोसेसर है वो लॉन्च हो सकता है 6T के साथ, लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि शायद इतना बड़ा अपग्रेड अभी 6T इसमें नहीं, OnePlus नहीं लेके आने वाला है, ये इसके अंदर 845 का प्रोसेसर ही होने वाला है, शायद 7 के अंदर 855 का प्रोसेसर हमारे को मिल पाए। दूसरी अगर बात करूं बड़े अपग्रेड की, तो हो सकता है लोगों के जैसे अभी आ रहे हैं कि P20 Pro की तरह OnePlus 6T के अंदर ट्रिपल कैमरा हो सकता है। दोस्तों ऑनेस्टली अगर बताऊं तो ये अगर आया तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन साथ में मैं एक चीज़ की उम्मीद करता हूं कि अगर ट्रिपल कैमरा इसके अंदर आ रहा है तो इसमें एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस उसके अंदर होना चाहिए, ताकि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल के अंदर आ सके, ये तो मेरी उम्मीद है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो कैमरा है वो अभी ट्रिपल कैमरा नहीं आएगा, अभी कैमरा वही 2 कैमरे रहेंगे, शायद परफॉर्मेंस थोड़ी सी और इनकी अच्छी हो सकती है, लेकिन उम्मीद मेरी यही है कि जो ट्रिपल कैमरा है वो 7 के अंदर आएगा और 855 भी जो 7 के अंदर आएगा। बाकी बात ये करता हूँ कि शायद बैटरी अब की बारी बढ़ेगी, शायद सुपर डैश चार्ज हमारे को आए VOCC की तरह जैसे ओप्पो के अंदर आया है, शायद जो स्क्रीन का साइज़ है वो भी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों जो उम्मीदें हैं वो तो कमाल की है, और फ़ोन का जो प्राइस है मेरे ख्याल से 6 से थोड़ा सा ऊपर रहने वाला है, शायद 39,999 मतलब 40,000 में 1 रुपये कम,
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 6 का प्राइस अभी काफ़ी डाउन वो करने वाले हैं, और इस मूड में अभी मुझे वन प्लस वाले लग भी नहीं रहे हैं। तो 35,000 रुपये का अगर फ़ोन आपका 6 आ रहा है तो उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि फ़ोन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे 4-5,000 रुपये ऊपर ही आने वाला है। तो शायद 6 जो है वो 35 पे ही रहेगा और 60 जो है वो 40,000 के अराउंड में लॉन्च होगा। तो कुछ चीज़ें मुझे कन्फर्म लग रही है जो 60 के अंदर आ सकती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ मुझे लगती है कि वाटर ड्रॉप नॉच उसके अंदर आ सकता है, यानी कि स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन बॉडी टू रेशियो जो है वो भी बड़ा होने वाला है। यानी कि स्क्रीन बड़ी होने के बावजूद आपके हाथ में फोन जो है बड़ा नहीं लगेगा और काफी अच्छा देखने में लगने वाला है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो इन स्क्रीन जो फिंगरप्रिंट है वो आपको मिलने वाला है। तीसरी चीज जो मुझे लगता है वो सुपर डैश चार्ज, मतलब ये आपको मिलने वाला है कि VOCC की तरह काफी और आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने वाला है। चौथी अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि बैटरी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ने वाली है, यानी कि 3200 की जगह 3400-3500 mAh तक वो जाने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी बढ़ने वाली है, इसकी काफी अच्छी होने वाली है डेफिनेटली। तीन कैमरा के ऑप्शन मुझे नहीं लगते, वायरलेस चार्जिंग भी मुझे नहीं लगती कि वन प्लस अब की बार भी लॉन्च करने वाला है, लेकिन शायद वो चार्जिंग को वैसे बढ़ाने वाला है। इसके अलावा 855 का प्रोसेसर भी मुझे अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है, और प्राइसिंग मैंने आपको मोटा मोटा बता ही दिया दोस्तों, वो 40,000 के नियर बाय रहने वाली है। लेकिन एक लास्ट अपडेट मेरे पास जो है कि अब की बारी शायद जो फोन है वो नॉर्मली ये नवंबर के लास्ट में लॉन्च करते हैं 21 नवंबर के आसपास, लेकिन कहीं ना कहीं एक रूमर निकल के आ रहा है कि ये फोन जो है अक्टूबर के लास्ट में लॉन्च हो सकता है। शायद अब की बारी हमारे को पहले लॉन्च मिलने वाला है वन प्लस का। मे बी शायद दोस्तों फेस्टिवल सीजन शायद वन प्लस इसका फायदा उठाने वाला है कि दिवाली आ रही है, तो हम भी क्यों ना इंडियन कस्टमर, इंडिया तो अब बहुत बड़ी मार्केट हो चुकी है, तो शायद वन प्लस भी इसका फायदा उठाने वाला है और शायद लॉन्च करेगा इसको दिवाली से पहले, ताकि फेस्टिव सीजन का वो भी जम के फायदा उठा सके। हम भी इंतजार करेंगे दोस्तों इस फोन का आपकी तरह, और इसी तरीके की जो अपडेट आपको वन प्लस के लिए या किसी भी और फोन या लैपटॉप या टैक के बारे में आपके चाहिए तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।